हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और आज वुमेंस डे है तो मैंने सोचा कि वुमेंस डे पर एक बहुत ही एक बड़ा इशू आता है हमारे समाज का, जिसको वुमेन फिटिसाइड या भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं, जो कि जाना जाता है, जिसमें कई सारे क्षेत्रों में कुछ बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही क्या किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। मतलब उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वो घास फूस हैं समाज के लिए, समाज पर बोझ हैं, कई सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों से बचने के लिए उन्हें गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ बेटों को जन्म दिया जाता है। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बच्ची है जिसको जन्म नहीं दिया गया, तो वो अपनी माँ से क्या कहती है या माँ से क्या उम्मीद करती है, माँ से क्या कहना चाहती है, तो उस बच्ची की एक वेदना है, उसकी एक भावना है, उस भावना को मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो एक बच्ची कहती है अपनी माँ से कि इल्जाम नहीं शिकायत है माँ, जो तुमसे करना जरूरी है। इल्जाम नहीं शिकायत है माँ, जो तुमसे करना जरूरी है। मुझे जन्म नहीं देना था, ऐसी भी क्या मजबूरी है। कुछ ही महीनों में मैं भी भरने वाली किलकारी थी, कुछ ही महीनों में मैं भी भरने वाली किलकारी थी, पर तुम सब ने मिलकर मारा, मैं ऐसे न मरने वाली थी। तो जब एक बेटी पैदा होती है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक माँ चाहती है कि अपनी बेटी को क्या कर दे, खत्म कर दे। उसके साथ साथ में जो दादी होती हैं उनको पोता चाहिए होता है, समाज को लड़का चाहिए होता है, लड़कियों को कोई लेना नहीं चाहता, तो कई लोगों का प्रेशर होता है यहाँ पर, चाहे वो घर वाले हों या रिश्तेदार हों। तो उन सब के दबाव में आकर एक माँ को क्या करना पड़ता है, अपना बच्चा गिराना पड़ता है। माँ के लिए तो सब बराबरी होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो यहीं पर है कि कुछ ही महीनों में मैं भी भरने वाली किलकारी थी, पर तुम सब ने मिलकर मारा, मैं ऐसे न मरने वाली थी। मैं अभागन कोख में तेरे पूर्ण समय भी रहना सकी, भाई से अधिक वजन था क्या माँ, जिस वजन को माँ तू सहना सकी। इस धरती पर तो स्वर्ग है माँ, इस स्वर्ग को देखन चाह रही थी, कब चूमो इस धरती को देख यही, बस यही रह रही थी। लोग सत सत बसंत देख लेते हैं, मैं एक भी बसंत ना देख सकी। तेरी ममता की छाँव में पलना था, पर जा कूड़े कचरे के भेंट चढ़े। तो यहाँ पर कूड़े कचरे से मतलब है कि जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको मार के फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी से ये इंडिकेट किया गया है, राइट। तो तेजाबी जहरीली दवाओं से क्यों कोख में ही मुझे जला दिया, पापा से लड़ झगड़ कर मेरी रक्षा क्यों नहीं किया। मुझे मारी नहीं होती माँ, तो देख मैं क्या से क्या कर जाती, सच माँ देख तो मेरी ऊंची उड़ान फूली नहीं समाती। कल्पना चावला सुनीता विलियम बन मैं आसमान छुवाती, बछेंद्री पाल संतोष यादव बन मैं एवरेस्ट चढ़ाती। लता मंगेशकर किरण बेदी सानिया मिर्जा बन करती रोशन नाम तेरा, तू देख देख पुलकित होती एक से एक सुंदर काम मेरा। तुतली बोली मैं माँ कह के तेरे आगे पीछे चलना था मुझको, तेरे बताए राहों पर है माँ आगे बढ़ना था मुझको। एक बेटी बोल रही है अपनी माँ से कि तुतली बोली मैं माँ कह के तेरे आगे पीछे चलना था मुझको, तेरे बताए राहों पर है माँ आगे बढ़ना था मुझको। ये उस टाइप की कंडीशन बता रही है जब बच्ची एक पहली बार बोलना शुरू करती है। तो ये एक माँ के लिए बहुत ही एक सॉफ्ट मोमेंट होता है कि जब पहली बार मैं माँ कहती तू बेटी बेटी कहना थकती, मेरी जान है तू मेरी प्राण है तू कह अंक में भर भर कर चूमती। मेरा पहला करवट लेना, पहली बार खड़ा होना, पहला डग बढ़ाना, मेरा हर यह क्रियाकलाप बना देता तुझे मेरा दीवाना। तेरे सीने से लिपट लिपट करती ममता का रसमान, तू भाव विभोर हो करती हर पल मेरी बखान। नन्ने नन्ने हाथ पांव हिला मैं तुझे बुलाया करती, मैं तुझे रिझाया करती, मैं तुझे रिझाया करती। नक्शे सीख तक मुझे चूम चूम तू ममता बरसाया करती, जाने कितने प्यारे नामों से तू मुझे बुलाया करती। नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगी, तू कितना अड़ी होगी। तो जब एक 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 माँ से एक बच्चे को मारने के लिए कहा जाता है तो बहुत फाइट करती है, बहुत लड़ती है वो। तो नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगी कह कितना तू अड़ी होगी, मेरे जान के दुश्मन यमराजों से तू हिम्मत भर लड़ी होगी। बस थोड़ी सी कमजोर पड़ी तू और जान हमारी चली गई, मैं तो तेरी धड़कन थी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे मौत देने से पहले जो कोख अपनी सहला लेती, तुझे मारने जा रही हूँ बेटी बस इतना तो बतला देती। मैं तो चैन से सोई थी कम से कम जगा देती, मेरी जान लेने से पहले एक बार बेटी कह बुला देती। मैं नहीं शिकायत करती माँ पर तूने धोखे से मारा है, मैं नहीं शिकायत करती माँ पर तूने धोखे से मारा है, पर बोलो ना बेटा पर बोलो ना माँ इसमें क्या दोष हमारा है। तुझे रिझाने की खातिर माँ कभी कभी छुप जाया करती, तुझे तड़पाने की खातिर माँ मैं कभी कभी छुप जाया करती, तुझे रुलाने की खातिर माँ मैं कभी कभी छुप जाया करती। अरे कहाँ गई तू कहाँ गई ये पागल बन धाया करती, मिल जाने पर सजल नये से ये कहकर डांट पिलाती,
मिल जाने पर सजल नयन से ये कह के डांट पिलाती, कुछ देर और न मिलती तो मेरी जान निकल ही जाती। कभी कभी घोड़े हाथी भी तुझे बनाया करती माँ, तेरी पीठ पर होती सवार तू घर आंगन घुमाया करती माँ। जा मैं तुझसे ना बोलूं कहे कभी कभी रूठ जाया करती, तुझे चांद दूंगी सूरज दूंगी कह के मुझे मनाया करती। कह पाती तो कह पाती मैं मत मारो मुझको, जान बचाने भागती अपनी कहती अरे बचा ले मुझको। मुझे मत मारो ये भी तो कहना पाई मैं, अरे भाग दौड़ कर अपनी जान भी बचाना पाई मैं। जो बच्चा एक कोख में है वो क्या कर पाएगा, उसे तो पता भी नहीं है कि इस दुनिया में आना है, उस दुनिया में मतलब कौन उसका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। तो ये उसी के टाइम की कहानी है कि मुझे मत मारो ये भी तो कहना पाई मैं, क्योंकि बेबस है वो बोल भी नहीं सकती, उसे पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। अरे भाग दौड़ कर अपनी हाय जान बचाना पाई मैं, हाथ नहीं पाँव नहीं बेजुबान थी क्या करती, हाथ नहीं पाँव नहीं बेजुबान थी क्या करती, चंगुल में तुम्हारे ऐसी फंसी मरती नहीं तो क्या करती। स्वार्थ में अंधे होकर क्यों मार दिया तुम सबने होकर, जान किसी का लेने का ये कौन दिया अधिकार तुमको। दौलत शौहरत की खातिर ऐसी गुनाह करने वाले तुम। कुछ लोग सोचते हैं कि दहेज देना पड़ेगा, बच्ची को पढ़ाना पड़ेगा और बच्ची जो है वो दूसरे घर की एक वो है क्या बोलते हैं एसेट है, वहाँ चली जाएगी तो हम उसको कैसे पढ़ाई लिखाएं, छोड़ देते हैं उसको, तो बोझ समझते हैं कुछ लोग उसको। तो दौलत शौहरत की खातिर ऐसी गुनाह करने वालों तुम, क्या दोगे जवाब रब को जरा ये तो विचारो तुम। हमें पिलाकर विष खुद अमृत पीने वालों तुम, बेजो हम पर करना था उस दौलत से दिवाली मना लो तुम। घर भर लो सोने चांदी अटारों से, महल अटारे सजा लो तुम, हिस्से में हमारे जो कुछ था उससे दौलत से मौज उड़ा लो तुम। देखो चिड़िया चूजों पर अपने कितनी ममता बरसाती है, चोंच में भर दाना पानी जाने कहां कहां से लाती है। देखो गैया अपने बछड़े बछिया से दूर नहीं रह पाती है, एक पल भी नजर से ओझल होने पर व्याकुल और रमाती है। तो देखते हैं आप लोग, ये सुबह आपने देखा होगा कि जब चिड़िया अपने चूजों को जन्म देती है, चूजे निकलते हैं तो चिड़िया दूर दूर से दाना पानी लाती है, चोंच में डाल डाल के खिलाती है। एक गाय अपने बछड़े को नहीं देखती है कि वो बछड़ा है या बछिया है, वो उसे बहुत प्यार करती है। तो देखो गैया अपने बछड़े बछिया से दूर नहीं रह पाती है, एक पल भी नजर से ओझल होने पर व्याकुल हो रमाती है। अरे पशु पक्षी जीव जंतु भी तुम सबसे बेहतर लगते हैं, अपनी औलाद की खातिर वो भी क्या क्या जतन न करते हैं, उनकी रक्षा में वो जान गवा तक देते हैं, नहीं सोचते हैं कि वो बेटी हैं या बेटे हैं। उजाला देखन चाह रही थी घोर अंधेरे से निकल, उजाला देखन चाह रही थी घोर अंधेरे से निकल, मरकर भी मैं मरी कहाँ घूम रही होकर विकल। मतलब ये कह रही है कि उजाला देखने चाह रही थी बट उसे पेट में ही मार दिया गया। मरकर भी मैं मरी कहाँ भटक रही होकर विकल, और किसी को क्या मालूम माँ तुम भी तो किसी की हो बेटी, तेरी माँ अगर तुझे मारी होती तो तू कहाँ जन्म ये माँ लेती। मेरी एक किलकारी सुन तू हो जाती निहाल माँ, मेरी बिटिया बुला रही है कहती आती भागती हो बेहाल माँ। मेरे संग संग मेरी जैसी नन्ही बच्ची भी बन जाती तू, मेरे संग गूंगी बोली के स्वर में सुर से सुर मिलाती तू। फूल जैसे कोमल हाथ पाँव मेरे तू बार बार चूम लिया करती, कहीं लगे नजर ना मुझको माथे पर काला टीका दिया करती। नहीं नहीं माँ कभी नहीं करती मैं परेशान तुझे, बेटी जनने का होता ऐ माँ मेरी अभिमान तुझे। तू जग में सबसे प्यारी माँ हो कह करना था गुणगान मुझे, देना था उपहार में माँ दुनिया भर का सम्मान तुझे। मुझे जन्म नहीं देती तो रह पाती क्या एक पल भी मुझसे दूर तुम्हा, फिर दूर सदा सदा को करने को क्यों हो गई तू इतनी मजबूर तुम्हा। तू माँ हो तूने वही किया जिसमें समझी मेरी भलाई तू, बहुत पहले ही कर दी अपनी बिटिया की विदाई तू। ना डोली सजी ना आए बाराती ना बजवाई सहनाई तू, मुझे जन्म देने से पहले ही कर दी मौत से सगाई तू। सुन लो सभी माताओं रोको रोको अब मरने से बहने हमारी, कह दो नहीं मारेंगे हम जनेंगे अपनी बिटिया प्यारी। बस तुम सभी चाहो तो ये जुल्म सितम रुक पाएगा, वरना ये चलता ही जाएगा और इसे कोई भी रोक ना पाएगा। मुझे जन्म देने से पहले ही कैसे मेरा भविष्य तू जान गई, मुझे जन्म देने से पहले कैसा ही मेरा भविष्य तू जान गई, ममता का सागर कहने वाली क्यों हत्या के लिए मेरी मान गई। तुझे चैन मिला सुकून मिला चलो मैं भी खुशी हूँ तेरी खुशी में माँ, तुझे चैन मिला सुकून मिला चलो मैं भी खुशी हूँ तेरी खुशी में माँ। तेरी माया की दुनिया बनी रहे भले ही भवसागर में डूबी में माँ, मैं जान रही हूँ माँ का दिल तू मुझे मार बहुत रोती होगी, दिन भले बीत जाता होगा पर रात में कहाँ तू सोती होगी, पर इससे क्या होगा माँ मैं फिर तो वापस न आ पाऊंगी, पर इससे क्या होगा माँ
मैं फिर तो वापस ना आ पाऊंगी, मेरा रुदन तो सुन रही हो मना, मैं ऐसे ही रोती रह जाऊंगी। मुझे लोक मिला ना परलोक मिला और ना ही मिल पाएगा, मैं भटकती आत्मा हूँ माँ, मुझे कोई उबार ना पाएगा। जरा सोचो तो माँ, मैं तेरी बिटिया कितनी सुंदर प्यारी दुलारी थी, पर तुम सब ने मिलकर मारा, मैं ऐसे ना मरने वाली थी। जरा सोचो ना माँ, मैं तेरी बिटिया कितनी सुंदर प्यारी दुलारी थी, तुम सब ने मिलकर मारा, मैं ऐसे ना मरने वाली थी। मैं और किसी से क्या कहूँ माँ, मैं और किसी से क्या कहूँ माँ, बस तुझसे ही ये फरियाद हमारी, बस तुमसे ही कहते रहना है, माँ मुझे क्यों मारी, माँ मुझे क्यों मारी, माँ मुझे क्यों मारी। सो ये कुछ लाइनें थी इसके ऊपर, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो आज के दिन जितने भी लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो यही है कि वुमेंस और गर्ल्स बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है, एक अच्छी शिक्षा दें और एक अच्छा एक एसेट बनाएं लड़कियों को। लड़कियों को लोग लाइबिलिटी समझते हैं, क्यों समझते हैं, क्योंकि वो एक उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको एक अच्छी जॉब पे भेजें, तो जब वो अर्निंग करेंगे या अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कोई भी उनको एक लाइबिलिटी नहीं समझ पाएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट का रिजर्वेशन देना और ये सब देना, उनको एक सपोर्ट देना, वो ये सपोर्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन्हें एक एजुकेशन मिले, वो अपना एक अर्निंग कर सके, ना तो उनको किसी भाई पे डिपेंड रहना पड़े, ना किसी पति पे डिपेंड रहना पड़े, ना ससुराल पे डिपेंड रहना पड़े, वो अपना कमाएं खाएं। और इस यही एक तरीका है जो वुमेन से रिलेटेड क्राइम को कम कर सकता है और वुमेन को जो है वो एक एसेट समझ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और फिर से एक बार हैप्पी वुमेंस डे। चलो बाय।